खबर किसो क्या कौन विभाग में आप गार्ड है कर दिया हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर हाँ सर और फायरिंग करने का रीजन मुझे पता है क्योंकि बेउर जेल से जब मैं निकल रहा था तो मेरे को सुबोध सिंह नाम के कैदी ने धमकी दी थी कि तुमको रास्ते में जान से मरवा देंगे हम। किस केस में तुम गए थे जेल? मैं साइबर क्राइम के अंदर गया था। कब से था तुम जेल में? मैं 8 महीने से जेल में हूँ, 28 जुलाई 2020 से। लेकर के पटना से लेकर के आ रहे थे। अच्छा। कामा में गाड़ी रुकी। अच्छा। गाड़ी जब धीरे धीरे चलने लगी, पाँच सौ चार पाँच घर से खुलने के वक्त आया। नमस्कार, मैं हूँ शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। वक्त शाम 7:30 बजे का। ट्रेन उपासना एक्सप्रेस पहुंचती है मोकामा जंक्शन और बेखौफ तीन अपराधी गार्ड के केबिन वाली बॉगी में पहुंचते हैं और वहां पर गोलीबारी करनी शुरू कर देते हैं, फायरिंग की शुरुआत कर देते हैं। और इस बोगी में एक साइबर अपराधी भी यात्रा कर रहा होता है। उसे सियालदह कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, इसीलिए उसे वहां ले जाया जा रहा था। और इसी कड़ी में वो जो अपराधी हैं वो गार्ड केबिन में घुसते हैं, फायरिंग करते हैं। मकसद था उस अपराधी को जान से मार देने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात में अपराधी तो ट्रेन की सीट के नीचे घुस गया, लेकिन गार्ड को गोली लग गई। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। देहरादून से हावड़ा जा रही उपासना एक्सप्रेस के मोकामा से खुलते ही तीन अपराधियों ने गार्ड की बोगी में फायरिंग कर दी। अपराधियों के निशाने पर बेउर जेल से सियालदह ले जाया जा रहा साइबर अपराधी था। फायरिंग के दौरान वह सीट के नीचे छिप गया। गोली बोगी में सवार ट्रेन के गार्ड नवल किशोर शर्मा की बांह को खरीचते हुए निकल गई। वो स्पेयर गार्ड थे और पटना से झाझा जा रहे थे। इसी बीच ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और अपराधी मोकामा के पूर्वी शहीद गेट गुमटी के पास छलांग लगाकर फरार हो गए। ट्रेन के क्यूल पहुंचने पर गार्ड को रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस बुधवार को पटना आई थी। वह बेउर जेल में बंद राजस्थान निवासी कुणाल शर्मा को रिमांड पर लेकर सियालदह ले जाने आई थी। कुणाल को एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ रांची, पटना सहित अन्य कई राज्यों में साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं। बंगाल से आए तीनों पुलिसकर्मी कुणाल को लेकर पटना जंक्शन पहुंची। वो शाम में उपासना एक्सप्रेस के इंजन के बगल वाली बोगी में लेकर सवार हो गए। उसे सियालदह लेकर जा रहे थे। सूत्रों की माने तो अपराधियों के निशाने पर कुणाल था। जेल से बाहर आने के बाद से ही अपराधी उसका पीछा करते हुए ट्रेन में सवार हो गए थे। जैसे ही रात करीब 7:30 बजे ट्रेन मोकामा स्टेशन पहुंची, अपराधी इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए। बोगी में जैसे ही अपराधियों की नजर कुणाल पर पड़ी तो वो फायरिंग करने लगे। कुणाल सीट के नीचे छिप गया। गोली बगल की सीट पर बैठे गार्ड की बांह को खरोचती निकल गई। गार्ड को गोली लगने के बाद सभी बदमाश ट्रेन से कूद गए। सूत्रों की मानी तो जेल में कुणाल से सोना लूटकांड के आरोपित कैदी सुबोध ने रंगदारी मांगी थी। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई थी। सुबोध ने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस मान रही है कि हो सकता है कि इसमें कोई सुबोध या उसके अन्य साथियों ने साजिश रची होगी। वारदात के बाद रेल पुलिस पटना जंक्शन और मोकामा स्टेशन पर लगे सीसी कैमरे को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही कुणाल की अगर बात की जाए तो पिछले साल जुलाई माह में कुणाल शर्मा को एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने साइबर मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुणाल राजस्थान के दौसा का रहने वाला है, वहां के पूर्व विधायक का बेटा है। इससे पूछताछ भी हुई थी। इसके संपर्क में कई अन्य साइबर अपराधी थे, पुलिस उनके बारे में भी जानकारी जुटाई थी। मामले में दो अन्य की गिरफ्तारी भी हुई है। करना स्टार्ट कर दिया हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर? हाँ सर, और फायरिंग करने का रीजन मुझे पता है क्योंकि बेउर जेल से जब मैं निकल रहा था तो मेरे को सुबोध सिंह नाम के कैदी ने धमकी दी थी कि तुमको रास्ते में जान से मरवा देंगे हम। किस केस में तुम गए थे जेल? मैं साइबर क्राइम के अंदर गया था। कब से था तुम जेल में? मैं 8 महीने से जेल में हूँ, 28 जुलाई 2020 से। कौन है सुबोध सिंह? सोना लूट में है वो, अंदर रंगदारी मांगने के लिए वो किए थे। जब उनको पता चला था कि मेरे फादर विधायक वगैरह हैं तो उसके लिए हम पापा ने पेमेंट भी नहीं किया था और वहाँ पे सिक्योरिटी में मुझे रख दिया गया था। तब उन्होंने धमकी दी थी कि तुमको मरवा देंगे रास्ते में। कितना गोली चला है? 6 राउंड सर।
छह राउंड चला है। ये मुकामा स्टेशन पर चला। यस सर, मुकामा स्टेशन जैसी गाड़ी खुली वैसे ही फायरिंग स्टार्ट करने के साथ ही। यस सर, तुम्हारे पापा भी बिताए के साथ। हाँ सर, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कुणाल शर्मा। अभी कहाँ जा रहे हो तुम? अभी सियालदा कोर्ट। सियालदा कोर्ट जा रहे हो? तुम्हारे साथ पुलिसकर्मी भी है? यस सर। सुरक्षा में तो गोली किन्हीं को लगी भी है? हाँ, गोली एक सिविल पर्सन को लगी थी, लेकिन ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी टच करके गई थी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? संजीव शर्मा। वो विधायक है? हाँ। कहाँ के विधायक है? दौसा, राजस्थान। कौसा? दौसा। दौसा राजस्थान। बोलने वाले पास ना है सर? किस पार्टी से विधायक है? पापा पूर्व विधायक है, बीजेपी से। पूर्व विधायक है बीजेपी के? हाँ सर, बीजेपी के पूर्व विधायक। देहरादून टू हावड़ा। तुम रहने वाले? देहरादून। मैं जयपुर, राजस्थान। रामबाग क्या वन बटा भवन पता नहीं, पिछले वाले स्टेशन पर फटक हुआ था ना? कोई दिक्कत नहीं था, इसे भी हम लोग भी साथ में ही हम लोग चिट्ठी लेकर के पटना से लेकर के आ रहे थे। अच्छा, कामा में गाड़ी रुकी। अच्छा, गाड़ी जब धीरे धीरे चलने लगी, चार पाँच को घर से खुलने के वक्त आया, फायरिंग करना स्टार्ट कर। आपका खबर किसो, क्या कौन विभाग में आप? गार्ड है। उसी में गोली लग गई आपको? 3-4-5 अपराधी जो है ना। हाँ। आया। हाँ जी। और